अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवेंथ, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बच्चों, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 20 में टॉपिक अस्थमा जो है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज और ऑर्गेन्स। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि ट्रांसप्लांटेशन क्या है, टिश्यूज किसे कहते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं। आप लोगों को पता है एक सेल जब उसके डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो टिश्यूज बना लेते हैं, ठीक है। और फिर जब टिश्यूज जो है, सेम टिश्यूज जब ज्वाइन होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो वो ऑर्गन्स बन जाते हैं। हर जानदार के ऑर्गन्स डिफरेंट हैं लेकिन काम एक तरह से करते हैं, ठीक है। जैसे कि तमाम जानदार जमीन पर जितने हैं, उड़ने वाले हैं, रिंगने वाले हैं, चलने वाले हैं, सबके पास स्किन मौजूद है। सबके सब जो हैं वो हार्ट और ब्रेन, आईज, ये ऑर्गन्स रखते हैं, ठीक है। फर्क ये आ जाता है कि इंसान वो मखलूक है जिसपे ब्रेन जो है वो मॉडिफाई है, वेल डेवलप्ड है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास सांस लेने के लिए, इंसानों के पास लंग्स हैं, लेकिन फिशेस के पास भी एक ऑर्गन है, सांस लेने का काम ही करते हैं, वो गिल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ट्रांसप्लांटेशन का जो एक पूरा अमल है वो ऑर्गन्स पर मुश्तमिल नहीं है, सिर्फ अज़ा ही नहीं बल्कि टिश्यूज भी इस प्रोसेस से जो है वो रिमूव हो सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये वो अमल है जिससे कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन जो है रिमूव किया जाता है और उसके बदले में आर्टिफिशियल या हेल्दी ऑर्गन या टिश्यू दोबारा से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। उसको उस हेल्दी से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देके बताया जाता है कि किडनीज की एग्जांपल आपको समझ में भी आएगी कि अल्लाह ना करे किसी की किडनी अगर फेल हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो किडनी ट्रांसप्लांट का जो है वो आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इसकी किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो डैमेज किडनी है इसको रिमूव कर दिया जाएगा और इसके बदले उन्हीं के रिलेटिव्स में जिसके टिश्यूज मैच करेंगे, ब्लड मैच करेगा, तो क्या होता है, अच्छी वाली किडनी, हेल्दी किडनी जो है वो उसे उनके उसकी जगह, डैमेज किडनी की जगह लगा दी जाती है, ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस के जरिए, ट्रांसप्लांटेशन के जरिए, जितने भी माजूर लोग हैं या बीमार लोग हैं वो मजीद बीमार नहीं रहते। इसका एक फायदा ये भी है और इंसान एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि ट्रांसप्लांट हो सकती हैं। ट्रांसप्लांट की एग्जांपल्स हैं जैसे कि स्किन है, किडनी है, बोन मैरो है, लिवर है, आई है, आर्टरीज एंड हार्ट वेल्व्स हैं। ये तमाम के तमाम वो एग्जांपल्स हैं जो के ट्रांसप्लांट हो सकती हैं। स्किन के एग्जांपल आपको बताती, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है उसको कोई बर्न इंजरी होगी, ठीक है, या कहीं से उजल गए और इतनी सीरियस इंजरी होगी, इतना सीरियस उसको चोट लग गई है कि उसकी स्किन जो है वो उस एरिया से खत्म होगी। अब क्या किया जाता है कि उसी पेशेंट की जो हेल्दी स्किन है वो खराब स्किन की जगह लगा दी जाती है और अल्लाह ताला ने तमाम ऑर्गन्स में ये जो ट्रांसप्लांट होते हैं इनमें वो काबिलियत रखी है कि ये दोबारा से अपना फंक्शनल परफॉर्म कर सकते हैं, दोबारा से दूसरी बॉडी में जाकर फंक्शनल हो जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पेज नंबर 25 पे इस टॉपिक को पढ़ना है, तो अब आ जाइए आप लोग अपनी बुक्स पर। इन ओल्ड डेज द फेलियर ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन रिजल्टेड इन डिसेबिलिटी और डेथ। पुराने जमाने में ये होता था बच्चों कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के ऐसे ऑर्गन पे इंजरी हो जाए, चोट लग जाए,
तो उसे क्या होती थी, मौत वाक्य हो जाती थी या उसमें हमेशा के लिए माजूरी आ जाती थी। ठीक है, इन मॉडर्न एरा द साइंटिस्ट हैव फाउंड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम व्हिच इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज ऑन ऑर्गन्स। अब नए जमाने में साइंटिस्ट ने एक नई टेक्निक, एक नया अमल जो है दरियाफ्त किया, जिसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इस अमल के जरिए डैमेज और फेल ऑर्गन्स को अच्छे और हेल्दी ऑर्गन से रिमूव कर दिया जाता है। Using this technology, the damaged tissues or organs are replaced by healthy artificial tissues or organs. Nowadays, the transplantation of skin, kidneys, bone marrow, liver, eye, arteries and heart fails are very common. ये examples जो मैंने आपको पहले बताई हैं, तो ये सारी वो examples हैं जो आजकल के दौर में transplant हो सकती हैं। ठीक है, और आपको उससे बताया गया, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके तमाम डैमेज ऑर्गन्स को हेल्दी ऑर्गन से रिप्लेस किया जा सकता है। नौ पेज नंबर 26 है, इसी टॉपिक की 3 लाइंस है। बिसाइड दिस द यूज ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैज आल्सो बिकम वेरी कॉमन। स्टेनलेस स्टील जॉइंट्स एंड बोन्स आर सक्सेसफुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, उन्होंने कहा तमाम का तमाम आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के साथ साथ जो हमारे पास एक और एग्जांपल है वो है स्टेनलेस स्टील जॉइंट्स। जोड़ जो है, देखिए हड्डियों में जोड़ होते हैं वो जॉइंट्स कहलाते हैं। जहां दो हड्डियां मिलती हैं तो वो जॉइंट्स की मदद से मिलती हैं। ठीक है, अब अगर खुदा ना खास्ता किसी के जॉइंट्स का मसला हो गया है, वो डैमेज हो गए, खराब हो गए, तो साइंस ने स्टेनलेस स्टील के जॉइंट्स जो हैं वो बनाए हैं, जो कि बॉडी में जो है इंसर्ट किए जाते हैं। एक ऑपरेशन होता है, उसके जरिए एक टेक्निक होती है, तो उसकी मदद से हमेशा के लिए इंसान माजूरी से जो है बच जाता है। सच पेशेंट्स आर नो मोर हैंडीकैप्ड ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। और कहते हैं इस तरह के पेशेंट जिनको जॉइंट्स का मसला हो जाए या जिनकी हड्डियां वगैरह टूट जाए और दोबारा ना बन सकती हों, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि बच्चों वो जो है हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए माजूरी से बच जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंशाल्लाह होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, टॉपिक की समझ नहीं आ रही, तो ज़रूर आप लोग बताइए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।